साईं बाबा की दयालुता, साईं बाबा की अद्भुत चिकित्सा की चारों ओर प्रसिद्धि फैल चुकी थी। लोग बहुत दूर दूर से उनसे अपना इलाज कराने के लिए आया करते थे। बाबा स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों का कल्याण किया करते थे। बाबा की दयालुता और सर्व व्यापकता की चारों ओर चर्चा थी। यह घटना सन 1910 की है, जब धनतेरस के दिन बाबा अपनी धूनी के पास बैठे आग ताप रहे थे और धूनी को अधिक प्रज्वलित करने के लिए उसमें लकड़ियां भी डालते जा रहे थे। धूनी अपनी पूरी प्रचंडता पर थी कि एकाएक साईं बाबा ने अपने हाथ धूनी में डाल दिए। तभी बाबा के भक्त माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखा तो वह दौड़कर बाबा के पास पहुंचा और बलपूर्वक बाबा को पकड़कर पीछे खींच लिया। वहां उपस्थित किसी भी भक्त की समझ में बाबा की यह लीला नहीं आई। बाबा के हाथों को देखकर श्यामा रोता हुआ बोला, देवा यह आपने क्या किया? तब बाबा बोले, यहाँ से कुछ दूर एक लुहारिन अपनी बच्ची को गोद में लेकर भट्टी जोक रही थी, तभी पति के बुलाने पर वह उसके पास चली गई। उसकी जरा सी असावधानी के कारण वह बच्ची फिसलकर भट्टी में गिर गई, पर मैंने उसे तत्काल भट्टी में हाथ डालकर निकाल लिया। खैर, हाथ चला तो मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं, लेकिन मुझे तसल्ली है कि उस बच्ची के प्राण तो बच गए। यह सारी घटना श्यामा ने चांदोरकर को खत के माध्यम में लिखकर भेजी। चांदोरकर को बाबा के हाथ जलने की घटना का पता चला तो वह मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर परमानंद को साईं बाबा की चिकित्सा करने के लिए शिरडी लाए। डॉक्टर परमानंद अपने साथ सभी आवश्यक दवाई, लेप, इंजेक्शन आदि लेकर आए थे। मस्जिद पहुंचकर चांदोरकर ने बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद बाबा से विनती की कि वह अपने हाथ का इलाज परमानंद को करने की अनुमति दे दे, पर बाबा ने स्पष्ट रूप से इलाज कराने से इनकार कर दिया। फिर भी बाबा के परम भक्त भागोजी शिंदे उनके जले हुए हाथ पर घी लगाकर एक पत्ता रखते और पट्टी बांधते थे, जिससे बाबा के घाव जल्दी भर जाए और हाथ ठीक हो जाए। इसके लिए चांदोरकर ने बाबा से कई बार विनती की कि वो डॉक्टर परमानंद को अपनी चिकित्सा करवा लें। स्वयं डॉक्टर परमानंद ने भी बाबा से बार बार आग्रह किया, पर बाबा ने चिकित्सा करवाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरा डॉक्टर तो अल्लाह ही है। इस तरह डॉक्टर परमानंद को बाबा की चिकित्सा करने का मौका न मिल सका। लेकिन कुष्ठ रोगी होने पर भी भागोजी शिंदे का यह अहोभाग्य था कि बाबा ने उन्हें पट्टी बांधने की अनुमति दे रखी थी। वे अपने इस कार्य की पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे थे। कुछ दिनों में जब घाव भर गया और हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया, तब सभी भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर भी भागोजी शिंदे द्वारा बाबा के उस हाथ पर घी मलने और पट्टी बांधने का सिलसिला बाबा की महासमाधि के लेने तक नियमित रूप से जारी रहा। वैसे साईं बाबा पूर्ण सिद्ध थे, उन्हें किसी भी तरह की चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अपने भक्तों की प्रसन्नता और प्रेमवश उन्होंने भागोजी शिंदे को सेवा करने का अवसर दिया था।